good morning dear students hope you are fit fine and healthy beta in last video we discussed types of computer there are many types of computer based on the size and based on the uses so we have so far we have discussed supercomputer mainframe computer today i will discuss with you types of mini computer or you can say micro computer right so let's start first of all there is desktop computer hope all of you have seen आप बच्चों ने सब बच्चों ने देखा है ना ये कंप्यूटर हमारे स्कूल में लैब में भी है कंप्यूटर लैब में वाइस प्रिंसिपल ऑफिस ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफिस ऑल्सो एग्जामिनेशन ब्रांच ऑल्सो है ना ये कंप्यूटर हाँ सब बच्चों ने देखा हुआ है गुड एंड आई हैव शोन यू इन द लैब ऑल्सो एंड बिटर डेस्क टॉप कंप्यूटर जैसे कि नाम से पता चल रहा है डेस्क टॉप कि कहाँ रखा जाता है कंप्यूटर डेस्क की टॉप पर तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है डेस्क में किया जाता है मतलब इसको कहाँ रखा जाता है डेस्क पर कंफर्टेबल होता है क्योंकि वहाँ से गिरने का चांस नहीं होता तो यूज होना डेस्क इन स्कूल ऑफिस एंड होम्स ज़्यादातर काम आजकल इसी कंप्यूटर पे होते हैं अगर आप किसी भी ऑफिस में देखोगे किसी भी घर में देखोगे और इसके अंदर क्या क्या है बच्चों वट आर देयर इनपुट डिवाइसिस यू कैन सी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस And what do you see? Output devices and all other devices fit on a desk. If desk then that's why it is called desktop computer. Okay. And uh, you can place speaker also, microphone also. All of these can be placed on a desk. Okay. And it is very comfortable to use, right? And improve the speed of the work also. Second is laptop. होप मोस्ट ऑफ यू हैव सीन इफ नोट नो यू हैव नोट सीन यू कैन सी इन द स्क्रीन दिस इज लैपटॉप इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट देर इज अ स्क्रीन देर इज नोट सेपरेट जैसे वहाँ अलग से आपका मोनिटर था डिस्प्ले स्क्रीन था और अलग से आपका सी पी यू रखा हुआ था अलग से आपका कीबोर्ड था माउस था बट इसके अंदर बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता एक कि बॉक्स की तरह होता है लैप आपके अपनी गोद में रख सकते हो देखो ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है राइट और सॉरी सॉरी बेटा यस दिस इज योर डिस्प्ले स्क्रीन एंड दिस इज द कीबोर्ड कीबोर्ड भी ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ होता है एंड दिस इज माउस दिस इज माउस ये भी ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट होता है और इसकी जो मेमोरी होती है बच्चों इसकी बैक साइड में इसकी बैटरी होती है वहाँ पर इसको अंदर इसके नीचे अंडर में स्टोर किया जाता है और आप इससे अलग से लैप अगर आप माउस अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वैसे कोई भी नीड नहीं होती इसी के अंदर ही स्पीकर होते हैं अलग से स्पीकर ऐड करने की भी नीड नहीं होती मीन सब कुछ इसके अंदर क्या होता है इनबिल्ट होता है और आराम से आप अपने घर से स्कूल में स्कूल से घर में ऑफिस में लेकर जा सकते हैं हो सकता है कुछ के पेरेंट्स लेकर भी जाते हो तो ये एक स्मॉल होता है और लाइट वेट कंप्यूटर होता है ईज़ी टू कैरी और उठाना इजी है इसको और इसके अंदर ही बच्चों मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्ट इन बिल्ट इन का मतलब अंदर ही बना होता है कीबोर्ड टच पैड और डिस्प्ले स्क्रीन अंडरस्टूड यस थर्ड वन इज दिस इज टैबलेट पीसी टैबलेट पीसी क्या होता है बच्चों देखो सब बच्चों ने स्मार्टफोन देखा हुआ है देखा हुआ ने सब बच्चों ने स्मार्टफोन क्योंकि आजकल हमारी जूम क्लासेज हो रही हैं वो भी किस पर हो रही हैं स्मार्टफोन पर हो रही है मोस्ट ऑफ वी आर डूइंग ऑन स्मार्टफोन्स सो बेटा टैबलेट पीसी एंड स्मार्टफोन बोथ आर सेम ओब्वियसली मोस्ट ऑफ द वर्किंग इज सेम राइट और देखो जैसे पोर्टेबल पोर्टेबल का मतलब होता है बच्चे कि आप इसको कैरी कर सकते हो आसानी से राइट एंड हैज़ अ टच स्क्रीन इसके अंदर ये गलती से राइट किया हुआ हैज़ अ टच स्क्रीन और इसके अंदर क्या होती है टच स्क्रीन होती है और आप इसको टच कर सकते हो फिंगर से भी टच कर सकते हो और डिजिटल पेन से भी टच कर सकते हो जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं अभी इसको फिंगर से टच करके बना रही हूँ स्मार्टफोन में बना रही हूँ सो टैबलेट पी भी यही होता है बट डिफरेंस क्या होता है बच्चों सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ का होता है कि जो स्मार्टफोन का नॉर्मल साइज़ होता है टैबलेट पीसी उससे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है लाइक एक नोटबुक की तरह होता है बस और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है स्मार्टफोन और टैबलेट पीसी दोनों ही हमारे सेम फंक्शन करते हैं सेम जैसे हम कॉलिंग करते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पर भी सारे आइकन्स दिखाते हैं आप टच करते हो और अपना वर्क करते हो और बहुत सारे बच्चे अब तो हैबिचुअल हो चुके हैं कि स्मार्टफोन को कैसे यूज़ करना है राइट येस दिस इज स्मार्टफोन दिस इज ऑल्सो माइक्रोकम्प्यूटर इट इज़ यूज टू परफॉर्म अ लोट ऑफ फंक्शन जैसे कि आप मोबाइल से क्या कर सकते हो मैंने कुछ एक फंक्शंस दिए हैं इसमें बट बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं अब आप मुझे बताएंगे कॉलिंग ई मेल सेंड कर सकते हो रिसीव भी कर सकते हो नेट चला सकते हो गूगल चला सकते हो ये स्टेल मी मोर येस जूम क्लासेस भी हम अटेंड करते हैं स्मार्टफोन से वेरी गुड येस ओके प्ले गेम्स ऑल्सो वी कैन प्ले गेम्स ऑल्सो द कंप्यूटर वी कैन सेंड मैसेजेज ऑल्सो वी कैन यूज़ एनी ऐप राइट वी कैन डू एनी टाइपिंग वर्क मीन्स बोस्ट लोट ऑफ वर्क वी कैन डू ऑन द स्मार्टफोन ओके एंड नेक्स्ट इज बच्चे स्मार्ट वॉच स्मार्ट वॉच भी बच्चों सेम फंक्शन करती है देखो बच्चों इसके अंदर जो सिर्फ साइज़ का ही डिफरेंस है और कुछ अलग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वर्क ये भी स्मार्टफोन की तरह करती है लेकिन सारे फंक्शंस नहीं कर सकती जैसे कि आप स्मार्टफोन पे कर सकते हो फ्यू फंक्शंस कर पा सकते हो आप इसमें कॉलिंग कर सकते हो राइट right? और इसमें कोई मैसेजेस सेंड कर सकते हो नेट को एक्सेस कर सकते हो बट इसकी स्क्रीन जो होती है ना बच्चों बहुत छोटी होती है तो उतना फिजिबल नहीं होता हमारे लिए उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होता कम वर्क करना यस यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस कि आपकी मेल आई है आपके मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप आए हैं सो यू कैन सी द मैसेज बट सम फाइल्स वी कैन नॉट ओपन और अगर ओपन होती भी हैं तो वो क्या होती हैं स्मॉल इन साइज होती हैं तो उसको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट मोस्ट ऑफ द सम चिल्ड्रन आर यूजिंग इट एज लाइक दे आर हैविंग कंप्यूटर इन देयर हैंड राइट सो इट वर्क्स लाइक स्मार्टफोन बट नोट ऑल फंक्शंस फ्यू फंक्शंस इट कैन डू राइट एंड लास्ट इज डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा यू कैन सी इन द पिक्चर मे बी अर्लियर वन देयर वॉज नो स्मार्टफोन्स वी वर यूजिंग दिस कैमरा नाउ इट इज़ गोइंग टू वैनिश बिकॉज अब स्मार्टफोन में मोस्टली लोग पिक्चर्स लेते हैं बट जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे बेटा देन वी यूज़ दिस डिजिटल कैमरा राइट right? इससे आप इमेजेस को ले सकते हो वीडियोस बना सकते हो और उन इमेजेस और वीडियोस को आप कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो अलाउ यूज़र टू टेक पिक्चर्स एंड स्टोर इमेजेस डिजिटली आप उसके अंदर सेव जैसे डिजिटली का मतलब क्या होता है बच्चे डिजिटल का मतलब होता है कि जैसे कि सेव आप मोबाइल में सेव करते हो आप अपने कंप्यूटर में भी इसके थ्रू हार्ड डिस्क में फोटोज़ को शिफ्ट कर सकते हो सो so बेटा ये हमारे कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स थे जो हमने स्टडी किया होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा और कुछ पेजेस जो आपको बुक में दिए हुए हैं इसी के बेस पर अब हम आज ज़ूम क्लास में स्टडी भी करेंगे स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी थैंक यू बिटा गॉड ब्लेस यू